हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज आपको हम ले चलते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, एडिशनल क्लासरूम इन प्राइमरी स्कूल्स। दोस्तों, इसके लिए शासन के द्वारा जो बजट रिलीज किया गया है वो 5,65,000 है। इसी के भीतर पूरे के पूरे काम करने होते हैं। पूरे के पूरे काम का तात्पर्य यही है कि 20 गुणे 18, ये एक मानक है, एक आदर्श जो साइज है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा। और प्रत्येक जनपद में इसका जो नोडल अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निर्माण है, डीसी कंस्ट्रक्शन है, लेआउट उनके सुपरविज़न में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो हैं वो इतने टेक्निकली साउंड नहीं है कि शिक्षा से विरत होकर के कोई इस तरीके के कार्य को अंजाम दें। समय समय पर आधिकारिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे वो शिक्षा के गुणात्मकता को लेकर के हो या बच्चों के पोषण को लेकर के हो, मिड डे मील की जो योजना है, इसके अलावा भी निपुण मिशन जो चल रहा है उसके तहत बच्चों के जीवन के साथ न्याय करना है, उन्हें शिक्षित करना है। ऐसे समय में जो आधिकारिक निरीक्षण हो वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जो पैसा प्रेषित किया गया है उसका सम्यक रूप से प्रयोग करना है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि सुपरविज़न यानी मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है, कहाँ कोई कमी हो रही है, शिक्षक को कहाँ परेशानी हो रही है, उस पे एक सही फीडबैक शिक्षक को देना, ये आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो कि ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है, और उन्हें मार्गदर्शन दिलाना, क्योंकि सारी चीज़ें अब PFMS के थ्रू हो गई हैं। कितना ईंटें लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, कितना सरिया का प्रयोग होगा, कितने लोहे का प्रयोग होगा, ये भी दोस्तों ज़रूरी है। इसके साथ साथ शिक्षक को हर स्तर पे समायोजन बनाना होता है। तो दोस्तों, ये समायोजन और समन्वय का ही कार्य है, निर्माण का कार्य जो है बहुत छोटा नहीं है। जैसे विद्यालय में बच्चों के का भविष्य निर्मित हो रहा है, वैसे ये अतिरिक्त कक्षा कक्ष है। आप देख सकते हैं, मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगढ़ आंग्ल भाषी परिषदी विद्यालय है, यहाँ पे अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित हुआ है। आप देख सकते हैं सनरेज आ रही हैं, इसकी वजह से वीडियो में विजिबिलिटी भी कुछ आपको कम दिख सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये दो खिड़कियाँ हैं और दोनों दीवालों पे दो खिड़कियाँ हैं। आप दोनों खिड़कियों को भी अच्छे से देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक दरवाजे के जस्ट बगल यहाँ पे कबर्ड है, यानी अलमीरा है, और ये अलमारी आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से अभी बनी हुई है और बन ही रही है। हाँ, और अब अभी बहुत काम दोस्तों बाकी हैं यहाँ पे। काम में अब आप पूछ सकते हैं काम क्या बाकी है। यहाँ पे आपका ग्रीन बोर्ड आएगा, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड की बातें कही गई हैं सामने दोनों दरवाजों के बीच में। इसके अलावा ये इस पूरे भवन को रंगाई पुताई भी कराना है, अभी यहाँ पे फर्श भी बनना है। और इसके अलावा चारों यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों दीवालों पे एक LED रहेगा, और इसी के साथ साथ दो फैन भी कराने हैं, दो भी फैन इसमें लगाने हैं। तो दोस्तों, ये रहा ACR जो कि निर्माणाधीन अवस्था में है, विद्यालय परिवेश में अभी यहाँ काम लगा हुआ है, और बजट
दोस्तों बहुत सोच समझ करके खर्च करने हैं, क्योंकि अगर आपने बजट को प्रॉपर रूप में सम्यक रूप में नहीं खर्च किया तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।